हेलो एवरीवन, वेलकम है सभी का आज की क्लास के अंदर। तो आज हम लोग भाई जो आप लोगों का पुलिस विभाग से रिलेटेड जो डाटा है जो कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा, और इसके अंदर से आप लोग यकीन मान के चलिए जो आप लोगों का पुलिस का एग्जाम होगा कांस्टेबल वाला या फिर एसआई वाला आगे आने वाला है जो, तो उसके अंदर आप लोगों के 4 से 5 क्वेश्चन इसी टॉपिक में से पूछे जाएंगे। और पिछला पेपर भी उठा के देखना आप लोग, उसके अंदर भी आप लोगों के क्वेश्चन पूछे गए थे इस विभाग से रिलेटेड। तो 6-7 क्वेश्चन की एवरेज रहेगी आप लोगों की। और इस क्लास के अंदर हम लोग पुलिस से रिलेटेड जितना भी डाटा है, चाहे वो आप लोगों की कमिश्नरी है, रेंज है, पुलिस जिले हैं, कुछ भी है, वो सारा का सारा हम लोग, या फिर कोई ऐप लॉन्च की है, वो सारा का सारा इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे हम लोग। और ये सारा का सारा आप लोगों का अपडेटेड डाटा है मई 2024 तक का, ठीक है। यहाँ तक का सारा अपडेटेड डाटा आपको मिलेगा, तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आने वाले आप लोगों के पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा। तो सबसे पहले देखो भाई, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि पुलिस थानों की स्टार्टिंग कब से हुई थी, तो आप ये मत मानना कि भाई हाँ हमारा जब हरियाणा बना तभी से मान लो, या फिर इंडिया बना तभी से, मुगलों के टाइम से, अकबर के टाइम से आप लोगों की पुलिस थानों की स्टार्टिंग हो चुकी थी, ठीक है। तो उसके बाद है पुलिस प्रणाली। अगर पूछ लिया जाए तो पुलिस प्रणाली की शुरुआत कहां से हुई थी आपकी, सिंध प्रांत से हुई थी 1843 के अंदर, सिंध प्रांत से 1843 के अंदर। ये डाटा आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा कहीं भी, बट माइंड में सेट रखना इस चीज को कि पुलिस प्रणाली की शुरुआत सिंध प्रांत से हुई थी 1843 के अंदर। और जो ये पुलिस प्रणाली थी अपनी, ये कौन से देश से, मतलब किसकी पुलिस प्रणाली पर आधारित थी, आयरलैंड पुलिस प्रणाली पर। किस पे? आयरलैंड पुलिस प्रणाली पे। उसके अंदर आप लोगों का आयरिश कॉन्स्टेबलरी पैटर्न है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो पुलिस प्रणाली है वो चली हुई है। और इसकी शुरुआत की थी किसने, की थी चार्ल्स नेपियर ने। ये क्वेश्चन कभी पढ़े थे आज तक आप लोगों ने, तो क्या पता एग्जामिनर थोड़ा डीपली चला जाएगा तो वो यहीं से क्वेश्चन पुट अप करेगा। तो आप लोग याद रखना, आयरलैंड पुलिस प्रणाली पे आधारित है अपने वाली पुलिस प्रणाली, ओके, चार्ल्स नेपियर ने, ये भी नाम याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद है पुलिस आयोग। तो पुलिस आयोग कब बना, 1860 के अंदर, कि श्री एचएम कोर्ट की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? श्री एचएम कोर्ट की अध्यक्षता में 1860 को पुलिस आयोग, 1860, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का हरियाणा राज्य के अंदर जो अपना हरियाणा पुलिस विभाग है वो कब बना, 1 नवंबर 1966 को, जब आपका हरियाणा आजाद हुआ तभी आप लोगों का पुलिस विभाग बन गया था 1 नवंबर 1966 को। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए ना कि भाई हम, मतलब जो हमारा पुलिस विभाग है वो कौन से पुलिस नियम के, तो पंजाब पुलिस, ये वाला क्वेश्चन तो पेपर में पूछा भी गया था, इसको अच्छे से नोट करेंगे सारे बच्चे, पंजाब पुलिस नियम 1934 के आधार पे अपना जो पुलिस विभाग है वो बना हुआ है, पंजाब पुलिस नियम। हमारे वाला तो 2008 में बना है, ठीक है। अभी जो अपने ये रूल बनते हैं पुलिस से रिलेटेड हरियाणा पुलिस के, तो ये तो अपना पुलिस नियम 2008 में बना है, उससे पहले तो पंजाब पुलिस नियम 1934 के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ सारे कामकाज होते थे, तो इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है आपके सामने कि हरियाणा पुलिस नियम, ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया था कि कब बनना शुरू हुआ ये 2008 के अंदर, कब, 2008 के अंदर। उसके बाद देखिए, अब ये क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, जैसे हमारे इंडिया के अंदर क्या है, अगर शिक्षा से रिलेटेड है तो शिक्षा मंत्री है, स्वास्थ्य से रिलेटेड है तो स्वास्थ्य मंत्री है ना, तो ये हर विभाग के रिलेटेड मंत्री हैं। बट कभी आपने पुलिस मंत्री सुना है? पुलिस मंत्री नहीं होता, क्यों? क्योंकि जो हमारा पुलिस विभाग है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पीछे वाला 2019 वाला जो कांस्टेबल का पेपर था आप लोगों का, आप उस मतलब जो 2019 वाली भर्ती थी, पेपर तो 22 में हुआ है, तो उस क्वेश्चन पेपर को उठा के देखना आप लोग, उसके अंदर दोनों, दो शिफ्ट के अंदर, लड़कियों वाले में दोनों शिफ्ट में आप लोगों का एसआई में भी और कांस्टेबल में भी ये पूछा गया था कि जो पुलिस विभाग है वो कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, जब हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, तो उस टाइम पे 7 जिले थे आप लोगों के। कौन कौन से थे 7 जिले आप लोगों के, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ आप लोगों को, कागज अमर रहे, ठीक है, कागज अमर है ऐसे लगा लेना, कागज अमर है, यही वो 7 जिले हैं जो मैंने 7 लेटर आप लोगों को बोले हैं। उसके अंदर आप लोगों का करनाल है, गुड़गांव है, फिर जैसे आप लोगों का जींद हो जाएगा, अमर अम्बाला, बाकी के आप बताना, ठीक है। नेक्स्ट है, तो जब उस टाइम पे गठन हुआ था 7 जिलों का, उसके अंदर आपके पुलिस जिले कितने थे, तो पुलिस जिले थे 6, कितने थे, पुलिस जिले थे 6। और पुलिस रेंज कितनी थी उस टाइम पे, एक रेंज थी, एक,
कितनी रेंज थी गठन के टाइम पे, ये डाटा एग्जामिनर पूछ सकता है। तो याद रखना, जब गठन हुआ था तो आप लोगों के जिले तो 7 थे, बट उनके अंदर पुलिस जिले आप लोगों के 6 थे और पुलिस रेंज थी आप लोगों की 1। कर्मचारी अगर पूछ लिया जाए तो 12,165 ही कर्मचारी थे उस टाइम पे, 12,165। नेक्स्ट है आपके सामने हाईएस्ट पोस्ट। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पुलिस डिपार्टमेंट में हाईएस्ट पोस्ट, तो डीजीपी आप लोगों का, क्या? डीजीपी, पुलिस महानिदेशक। ठीक है, स्टेट लेवल पे बात कर रही हूं मैं, क्या हो जाएगा, पुलिस महानिदेशक। उसके बाद आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन, ये वाला भी और ये वाला भी, पिछला पेपर उठा के देखना, दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे और ये वाला तो अब की बार भी पूछा जाएगा। अगर आप लोगों ने यूपी पुलिस का पेपर देखा होगा तो उसके अंदर यूपी पुलिस का मोटो पूछा गया था, तो हरियाणा पुलिस का आया तो हरियाणा पुलिस का मोटो पूछेगा, और जो पिछले वाला पेपर हुआ था उसके अंदर भी मोटो पूछा था। तो क्या मोटो होता है? सेवा सुरक्षा सहयोग। ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, ठीक है, याद कर लो, सेवा सुरक्षा सहयोग। अगर लोगों पूछ लिया जाए तो हप्पू, क्या है? हप्पू। और इसके अंदर ना आप लोगों का, जैसे ये पुलिस वाला लोगो नहीं होता, यूं करके एक मटका सा बना दिया जाता है, इस मटके के अंदर ही हप्पू लिखा होता है उसका, और उस मटके के अंदर और क्या होता है आप लोगों का? अशोक स्तंभ होता है और गेहूं की बाली होती है। अशोक स्तंभ और गेहूं की बाली, ये आप लोगों का लोगो है, तो इस चीज को भी याद रख लेना, अशोक स्तंभ और गेहूं की बाली। नेक्स्ट है आप लोगों के सामने कि वर्तमान में पुलिस रेंज कितनी है, पुलिस रेंज कितनी है वर्तमान में? 5, और अब तो पुलिस कमिश्नरी भी 5 हो चुकी है ना, तो पुलिस रेंज भी 5 है, पुलिस कमिश्नरी भी 5 है। जो पुलिस रेंज होती है उसका अगर हेड पूछ लिया जाए आपसे तो वो कौन होता है? आईजीपी होता है। कौन होता है? आईजीपी, ठीक है। और इसके अंदर आप लोगों के क्या होते हैं, रेंज के अंदर सारे के सारे पुलिस जिले शामिल होते हैं, और पुलिस जिलों का हेड कौन होता है? एसपी होता है, ठीक है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो वो आपका पुलिस रेंज का हेड होता है। नेक्स्ट आप लोग उनका, पुलिस जिलों का हेड होता है, ठीक है। बात करते हैं हम लोग, पुलिस रेंज की बात कर रहे हैं हम लोग, की 5 जो पुलिस रेंज है वो आपकी कौन कौन सी है। पहले नंबर पे है हिसार। हिसार के अंदर आप लोगों के कौन कौन से जिले शामिल हैं, जितने भी पुलिस जिले, अभी वर्तमान में पुलिस जिले कितने हैं, वर्तमान में पुलिस जिलों की संख्या कितनी है, ये आप लोग पक्का बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो हिसार के अंदर कौन कौन शामिल है? फतेहाबाद, जींद, सिरसा, हांसी। अब देखो हांसी जो है ना वो आप लोगों का जिला नहीं है, बट पुलिस जिला है ना, जिला नहीं है, ये क्या है आप लोगों का? पुलिस जिला। तो फतेहाबाद, जींद, सिरसा, हांसी और हिसार, ये आप लोगों के हिसार रेंज के अंदर आएंगे। रोहतक रेंज के अंदर है आप लोगों का रोहतक, भिवानी और चरखी दादरी। करनाल रेंज के अंदर है करनाल, कैथल और पानीपत। अम्बाला रेंज के अंदर है अम्बाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। दक्षिण पुलिस कंप्लीट नाम दे दिया इस रेंज को, उसके अंदर आप लोगों का है रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, जो दक्षिण साइड में आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट है ना, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नूह और पलवल, ये किसके अंदर आएंगे? दक्षिण पुलिस रेंज के अंदर, ओके। और अगर ये पूछ लिया जाए ना कि दक्षिण पुलिस तो इसका नाम है, बट इसका मेन स्टेशन भी तो आएगा ना कहीं पे, तो कहाँ पे है हेडक्वार्टर इसका आप लोगों का? रेवाड़ी के अंदर, जो धारूहेड़ा है वहां पे इसका हेडक्वार्टर है, धारूहेड़ा रेवाड़ी के अंदर। अगर ये पूछ लिया जाए सबसे बड़ी रेंज कौन सी है, तो सबसे बड़ी रेंज है आप लोगों की हिसार रेंज, इसी के अंदर सबसे ज्यादा जिले आते हैं, है ना, 5 जिले आ गए इसके अंदर, फतेहाबाद, जींद, सिरसा, हांसी और हिसार। अब बच्चे कहेंगे मैम हांसी तो जिला नहीं होता, जिले की बात नहीं कर रही मैं, पुलिस जिलों की बात कर रही हूं, तो हांसी आपका पुलिस जिला है, तो 5 पुलिस जिले इसके अंदर आएंगे, तो सबसे बड़ी रेंज है हिसार की। नेक्स्ट देखो भाई, बात करते हैं पुलिस कमिश्नरी की। पुलिस कमिश्नर होता है इसके ऊपर, जो आयुक्त होता है वो। पुलिस कमिश्नरी भी 5 है, पुलिस रेंज भी 5 है, पुलिस कमिश्नरी भी 5 है। कौन कौन सी है? गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला, ठीक है, ये 3 तो आपकी पुरानी ही है, गुड़गांव, फरीदाबाद और पंचकुला। उसके बाद 2 रेंज आप लोगों की, पहले सोनीपत को बनाया गया, फिर आप लोगों का झज्जर को बनाया गया, ठीक है। सोनीपत और झज्जर भी आप लोगों की क्या है? पुलिस कमिश्नरी है। झज्जर को अभी मार्च 2024 में बनाया गया था, तो ये सारा अप टू डेट डाटा है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए ना कि 2024 से पहले का, कि भाई जनवरी 2024 तक कितनी आप लोगों की कमिश्नरी थी, तो आप लोग कितना जवाब देंगे? 4 जवाब देंगे, फिर झज्जर को शामिल मत करना, ठीक है। और ऐसे ही नॉर्मल पूछ ले कि भी वर्तमान में पुलिस कमिश्नरी कितनी है, तो आप लोग बोल देना 5 है, झज्जर भी शामिल हो चुका है,
ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि पहला जो सोनीपत जैसे अभी नई बनी है, नया बना, तो सोनीपत का पहला कमिश्नर किसको आयुक्त किया गया? बी सतीश बालन को। और अभी झज्जर, झज्जर का जो एडिशनल चार्ज है ना, वो भी बी सतीश बालन के ही पास है, याद रखना इस बात को। इसका कोई अलग से कमिश्नर नहीं बनाया गया है अभी तक, तो झज्जर का एडिशनल चार्ज भी किसके पास है? बी सतीश बालन के पास। और सोनीपत का तो है ये कमिश्नर, ओके। तो इस नाम को भी याद रखेंगे क्योंकि ये पहली बार ये कमिश्नरी बनी है। गुड़गांव, फरीदाबाद और पंचकुला तो बहुत पुरानी है, तो सोनीपत का पहला पुलिस कमिश्नर किसको बनाया गया है? बीस तीस बालन, सैसे सोनीपत, सैसे तीस, सोनीपत सतीश, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद देखिए भाई आप लोगों का एचएपी, एचएपी मतलब हरियाणा आर्म्ड फोर्स, फोर्स नहीं सॉरी पुलिस, हरियाणा आर्म्ड पुलिस यानी कि हरियाणा सशस्त्र बल। तो पहले क्या हुआ था भाई, पंजाब से है ना सिर्फ 6 ही आर्म्ड फोर्स हरियाणा को दी गई थी जब गठन हुआ था हमारा 1 नवंबर 1966 को। तो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 6 ही हरियाणा आर्म्ड पुलिस जो है वो हरियाणा को दी गई थी पंजाब की तरफ से। फिर हरियाणा ने क्या किया, उनमें से 4 तो बीएसएफ और सीआरपीएफ को दे दी, 2 अपने पास रख ली हरियाणा ने, ठीक है। वो 2 कहाँ पे, अम्बाला और नीलोखेड़ी। कौन कौन सी रखी? अम्बाला और नीलोखेड़ी, ठीक है। तो इस टाइम इस बात को याद रखेंगे, इस डाटा को, कि गठन के टाइम पे पंजाब से 6 ही आर्म्ड पुलिस आप लोगों की हरियाणा को दी गई थी, जिसमें से 4 तो उन्होंने दे दी बीएसएफ और सीआरपीएफ को, 2 अपने पास रख ली जहां पे अम्बाला और नीलोखेड़ी था उसके अंदर। नेक्स्ट है एचएपी हेडक्वार्टर की बात करें तो मधुबन के अंदर है, 1968 में बना ये मधुबन में, तो मधुबन पुलिस एकेडमी आप लोगों को पता ही है इस बात का। इसके अंदर आप लोगों की 5 बटालियन शामिल है, जिसके अंदर पहली बटालियन जो आप लोगों की थी वो अम्बाला में जो कि 1966 में बनी, दूसरी बटालियन आप लोगों की मधुबन में जो कि 1966 को ही बनी, तीसरी अम्बालिया, तीसरी जो है, ये दो तो अभी वही है ना जो गठन के टाइम पे रखी थी, अम्बाला और मधुबन है ना, नीलोखेड़ी मधुबन वाला ही तो है। उसके बाद क्या हुआ, फिर तीसरी बनाई गई हिसार के अंदर 1969 में। कब बनाई गई? 1969 में बनाई गई तीसरी। और चौथी और पांचवी आप लोगों की फिर से मधुबन में बनाई गई जो कि 1973 में बनी। 5 बटालियन है, 5 ही पुलिस रेंज, 5 ही कमिश्नरी, 5 ही बटालियन, समझ गए। तो 5 बटालियन है आप लोगों की, पहली अम्बाला, अम्बाला और मधुबन इकट्ठी ही थी 1966 में जो पंजाब ने ही दी थी। उसके बाद है तीसरी हिसार में बनी 1969 में, और मधुबन में बनी 2, चौथी और पांचवी बटालियन दोनों मधुबन में 1973 में। तो सबसे ज्यादा बटालियन कहां पे हुई आप लोगों की? मधुबन के अंदर, चौथी और पांचवी और दूसरे नंबर वाली मधुबन में ही है। नेक्स्ट आप लोगों के सामने हरियाणा रेलवे पुलिस की बात करें हम लोग, तो ये भी कब बना? ये भी 1 नवंबर 1966 के अंदर ही। इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए तो अम्बाला कैंट के अंदर है। इसका हेड कौन होता है आप लोगों का? एसपी होता है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। हरियाणा रेलवे पुलिस, पुलिस का एग्जाम है तो रेलवे पुलिस के बारे में भी तो पूछ सकता है ना, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या है भैया आप लोगों का, 3 सब डिवीजन है, अम्बाला कैंट है, हिसार है और फरीदाबाद। अम्बाला कैंट, हिसार और फरीदाबाद। वर्तमान में ये पूछ लिया जाए कि भाई कितने पुलिस स्टेशन है, तो 16 है। रेलवे पुलिस स्टेशन की बात कर रही हूं मैं, वर्तमान में कितने रेलवे पुलिस स्टेशन है? 16। कितने? 16। गाड़ी में रेल है, रेल में सो के जाते हो ना, है ना, रेल में जब भी जाते हैं हम लोग सो के जाते हैं, तो 100 से 16, 100 से 16, ठीक है। उसके बाद अब ये 16 की बात करते हैं हम लोग, तो ये पता है क्या दिक्कत, मतलब दिक्कत नहीं, आप लोगों के जो 22 जिले हैं ना, है ना, 22 जिलों में से जिसके नाम अब मैं ये ले रही हूं, ये तो आपके हैं पुलिस स्टेशन, रेलवे पुलिस स्टेशन। जो बच जाएंगे वो आप लोगों के पुलिस स्टेशन नहीं है, तो आप मेरे हिसाब से उनको याद करेंगे तो बेटर रहेगा। बाकी मैं बता देती हूँ पुलिस स्टेशन कौन कौन से हैं आप लोगों के रेलवे वाले। पहला अम्बाला, फिर आप लोगों का जगाधरी, चंडीगढ़, कालका, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, जींद, बहादुरगढ़, फरीदाबाद, गुड़गांव, रेवाड़ी, हिसार और सिरसा। ये 16 के 16 आप लोगों के पुलिस स्टेशन है, रेलवे पुलिस स्टेशन, ठीक है। मतलब 1% चांस है कि इसमें से क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जामिनर, बट हमें तो सारी तैयारी, हमें तो बिल्कुल तैयार होके जाना है ना, तो हम थोड़ा सा माइंड में रखेंगे, ऑप्शन में से पहचान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे वो सीरीज वाइज नहीं सुनेगा भाई, 16 के 16 के नाम बताओ, आपको ऑप्शन में से पहचानना है। तो थोड़ा सा एक दो बार भी देखोगे इस चीज को, ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। नेक्स्ट है हरियाणा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, मेन बात है ये वाली, जहां पे आप लोगों को जाना है, है ना। तो हरियाणा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पहला मधुबन करनाल के अंदर, फिर है पीटीसी सुनारिया जो कि रोहतक के अंदर, फिर है पुलिस कमांडो कॉम्प्लेक्स, ये आप लोगों का है नेवल गांव के अंदर, कमांडो को ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पे नेवल गांव, ये भी करनाल में ही है आपका। उसके बाद है आप लोगों का भर्ती प्रशिक्षण
आरटीसी भोंसी जो कि गुड़गांव के अंदर है, आरटीसी 3rd बटालियन है आप लोगों की हिसार के अंदर, और महिला पुलिस ट्रेनिंग है हिसार के अंदर। हिसार के अंदर आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ महिला को ही ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन मेरे हिसाब से ये अब तक शुरू नहीं हुआ है। तो अब देखो तो ये कहाँ है आप लोगों का, हिसार के अंदर, तो ये आप लोगों के ट्रेनिंग सेंटर है, तो इनको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। अब ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड क्वेश्चन जो पीछे एग्जाम में आया हुआ था कि हरियाणा पुलिस वायरलेस रिपीटर एंटीना कितने हैं आप लोगों के, 3। पूरे हरियाणा के अंदर इन्हीं एंटीना से आप लोगों के सारे सिग्नल वगैरह भेजे जाते हैं, इन्होंने अपने अपने डिस्ट्रिक्ट बांट रखे हैं। तो साम पहाड़ी भिवानी के अंदर, टाकरी पहाड़ी रेवाड़ी के अंदर, और सराहन पहाड़ी आप लोगों की है ये हिमाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ पे है ये, हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो ये 3 वायरलेस रिपीटर एंटीना है जहां से पूरे हरियाणा के पुलिस स्टेशन को कंट्रोल किया जाता है, पूरे हरियाणा के पुलिस स्टेशन को सिग्नल भेजे जाते हैं। तो इन चीजों को ध्यान रखेंगे, 3 है अपने, पिछली बार एग्जाम में पेपर में आया था और तीनों के बारे में ही, एक एक शिफ्ट में आ गया, ये दूसरे शिफ्ट में आ गया, तीसरे शिफ्ट में आ गया, तो इन तीनों को ध्यान रखना। तो साम पहाड़ी भिवानी के अंदर, टांकरी पहाड़ी रेवाड़ी के अंदर, और सराहन पहाड़ी आप लोगों की हिमाचल प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट है आप लोगों का स्टेट क्राइम ब्रांच यानी कि राज्य अपराध शाखा, इसकी जो शुरुआत है वो 2006 के अंदर हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए तो मोगिनंद पंचकुला के अंदर। कहाँ पे है क्राइम ब्रांच का, मोगिनंद पंचकुला के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हरियाणा पुलिस अकेडमी की बात करें, इम्पोर्टेंट है, अच्छे से पढ़ेंगे। पुलिस अकेडमी मधुबन के अंदर है, सबको पता है। स्थापना यानी भर्ती प्रशिक्षण केंद्र है ना आप लोगों का, 1973 के अंदर। कब बनी है अकेडमी, 1973 के अंदर। फिर प्रशिक्षण स्कूल कब बनाइए, 1976 के अंदर। पहले छोटा सा सेंटर था, 1973 में सेंटर ही था, फिर ये स्कूल बना 1976 के अंदर, फिर इसको अकेडमी बना दिया गया 1973 के अंदर, ठीक है। इस चीज को याद रखेंगे, सबसे पहले छोटा सा सेंटर ही बनाया था, उसके बाद अब ये पुलिस अकेडमी बन चुकी है 1977 में। नेक्स्ट है हरियाणा पुलिस संग्रहालय, आप लोगों का मधुबन में ही है, और फोरेंसिक साइंस लैब यानी कोई भी क्रिमिनल पकड़ा जाता है उसके जैसे मतलब मान लो फिंगरप्रिंट्स वगैरह है, वो सारी चीजें मतलब भेजनी होती है ना, तो वो फोरेंसिक जो साइंस लैब है आप लोगों की, वो कहाँ पे है, हरियाणा में मधुबन में। उसके बाद इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना पहले रोहतक में हुई थी 1973 में, ठीक है, 1973 में रोहतक में इसकी स्थापना हुई थी फोरेंसिक साइंस लैब की, लेकिन 1976 में इसको कहाँ शिफ्ट कर दिया गया, मधुबन शिफ्ट कर दिया गया, तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपके सामने हरियाणा CID या फिर कमांडो ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पे है, पंचकुला के अंदर। हरियाणा CID या फिर कमांडो ट्रेनिंग स्कूल, स्कूल की बात कर रही हूँ मैं, पंचकुला के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट कमांडो विंग कहाँ पे है आप लोगों की, ये नेवल हम पढ़ी चुके हैं, करनाल के अंदर। कमांडो विंग 1988-89 में इसकी शुरुआत हुई थी, नेवल के अंदर है ये आप लोगों का, और मैक्सिमम एज इसके अंदर क्या रहती है आपकी, 30 ईयर रहती है, 30 ईयर तक ही ट्रेनिंग बस, उसके बाद नहीं। नेक्स्ट है हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन, 1989 में इसकी स्थापना, थोड़ा सा माइंड में रखेंगे, बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से। हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन 1989, ठीक है। नेक्स्ट हरियाणा राज्य अपराध ब्यूरो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो हरियाणा राज्य अपराध ब्यूरो इसका अगर हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए तो मधुबन के अंदर है। कहाँ, मधुबन में। पहले ये विभाग कहाँ पे आता था, CID के अंडर में आता था, ठीक है। 1986 में फिर ये क्या बन गया, स्वतंत्र विभाग इसकी घोषणा कर दी गई और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1987 को कर दी गई। नेक्स्ट है फिंगरप्रिंट ब्यूरो, ये आप लोगों का कहाँ पे है, साइंस लैब, फोरेंसिक साइंस लैब की बात करें तो वो आप लोगों का मधुबन में है, बट फिंगरप्रिंट ब्यूरो कहाँ पे है आप लोगों का, रोहतक में, सॉरी रोहतक में तो इसकी शुरुआत हुई थी 74 में, ठीक है। अब तो ये मधुबन में ही शिफ्ट कर रखा है, पहले इसकी शुरुआत रोहतक में हुई थी, इस चीज को भी ध्यान रखें, वर्तमान वाला याद रख लो भाई, मधुबन में ही है ये भी, और जो आप लोगों का फोरेंसिक साइंस लैब था वो भी मधुबन में ही शिफ्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट कंप्यूटर विंग, कंप्यूटर विंग की बात करें तो हरियाणा फर्स्ट पुलिस का प्रथम कंप्यूटर केंद्र कहाँ पे, चंडीगढ़ के अंदर 1979 में। हरियाणा पुलिस का जो आप लोगों का पहला कंप्यूटर केंद्र था वो चंडीगढ़ में 1979 के अंदर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट आप लोगों के सामने मोडस ऑपरेंडी ब्यूरो, मोडस ऑपरेंडी ब्यूरो ये क्या है भाई, जैसे ये नहीं हो जाता है, मतलब आप लोगों ने मूवी देखी होगी एक, वो वाली मूवी नाम ध्यान नहीं आ रहा, ऋतिक रोशन, उसके अंदर वो चोर होता है तो वो हर जगह वो ए वाला साइन छोड़ के जाता है ना, तो वो मूवी देखी होगी आप लोगों ने। उसके अंदर क्या होता है, जैसे ही मतलब
वो क्या उसकी है ना एक पहचान होती है कि वो जब भी चोरी करेगा वो वहां पे अपना एक साइन छोड़ के जाएगा, है ना, एक साइन छोड़ के जाएगा। तो उससे क्या होता है, जहां पे भी एक साइन मिला मतलब पुलिस को पता चल जाता है कि ये तो वही इंसान है, सेम इंसान ने चोरी की है। तो अपराधी के काम की वजह से उसको ढूंढना, ये किसके अंतर्गत आएगा, ये आपका मोडस ऑपरेंडी ब्यूरो के अंतर्गत, ठीक है। 1 अप्रैल 1987 को राज्य अपराध ब्यूरो के अंडर में था ये, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग वर्तमान में हरियाणा में जेल, हरियाणा में जेल कितनी है भाई आप लोगों की, 20 जेलें, 20 वर्तमान में जेलें कितनी हैं, 20, ठीक है। सेंट्रल जेल कितनी है, 3, और डिस्ट्रिक्ट जेल कितनी है, 17, सेंट्रल 3 डिस्ट्रिक्ट 17। अब बात करते हैं पहले तो सेंट्रल जेल की, जो 3 सेंट्रल जेल है वो कहाँ कहाँ पे है, तो एक तो है अम्बाला के अंदर और 2 है हिसार के अंदर, याद रखेंगे। जेल है आपकी 20, 20 में से 3 सेंट्रल जेल है, 17 आप लोगों की डिस्ट्रिक्ट जेल है। जो सेंट्रल जेल है उसमें से 1 अम्बाला के अंदर है, 2 हिसार के अंदर है। बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट जेल की, तो डिस्ट्रिक्ट जेल है आप लोगों की भिवानी, गुड़गांव, फरीदाबाद, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, और उसके बाद है नारनौल, नारनौल, पलवल, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर और नूह। यहाँ पे आप लोगों की क्या है, ये 17 ये जेलें हैं, 3 आप लोगों की यहाँ पे हो गई, जो कि सेंट्रल जेल है हिसार और अम्बाला के अंदर। तो इनको भी थोड़ा सा माइंड में सेट कर लेना आप लोगों का, ठीक है। 1 सेकेंड। उसके बाद है हरियाणा के अंदर आप लोगों के, अब देखो हरियाणा के अंदर जिले कितने हैं आप लोगों के, 22 जिले है ना, उसके अंदर क्या है आप लोगों के 21 जिलों के अंदर, सॉरी 20 जिलों के अंदर आप लोगों की 21 जिले हैं। बात करते हैं आप लोगों के 3 जिले ऐसे हैं जहां पे कोई जेल नहीं है, फतेहाबाद में नहीं है, चरखी दादरी में नहीं है, पंचकुला में नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों के कितने जिले बच गए, इसके अलावा आप कहेंगे मैम 19 जिले बच गए, तो आप 20 क्यों कह रहे हो, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है भाई, आप लोग इसको ठीक कर लेना। 21 जेले नहीं है, 20 ही जेले हैं, क्योंकि वर्तमान में हरियाणा में 20 जेले हैं ना, इसको ठीक कर लेना आप, यहाँ पे इसको आप क्या करेंगे, ठीक करेंगे, ये 20 जेल हैं, ओके, 20 डिस्ट्रिक्ट में 20 ही जेल हैं। अब आप कहेंगे मैम अगर 20 डिस्ट्रिक्ट में 20 जेल हैं तो डिस्ट्रिक्ट तो आप लोगों के 2 ही बचे फिर इस हिसाब से, तो बट नहीं, जो ये 20 जिले हैं हिसार में 2 है ना, हिसार में कितनी है, 2, तो डिस्ट्रिक्ट कितने बच जाएंगे, 3 डिस्ट्रिक्ट बचेंगे, फतेहाबाद, चरखी दादरी और पंचकुला। कितने हैं आप लोगों के, फतेहाबाद, चरखी दादरी और पंचकुला, इसके अंदर आप लोगों की कोई भी जेल नहीं है। पुरानी जेल की बात करें तो अम्बाला के अंदर 1872 में, और जो नथुराम गोडसे जी थे उनको फांसी इसी जेल में दी गई थी 15 नवंबर 1949 को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सबसे नई जेल की। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हरियाणा की जो नई 20वीं जेल है वो किसको बनाया गया है, तो वो है आप लोगों की नूह की जेल। कौन सी है, नूह की जेल है आप लोगों की बिल्कुल नई, और जो कि 20वीं जेल है आप लोगों की। टोटल हरियाणा के अंदर 20 ही जेल हैं। नेक्स्ट आपके सामने अगर पूछ लिया जाए हरियाणा जेल विभाग का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो आप लोग बोलेंगे पंचकुला के अंदर। ये बात आप लोगों की जेल मंत्री पूछ लिया जाए आप लोगों का, तो वो है रणजीत सिंह। सारा का सारा जो हरियाणा का मंत्रिमंडल है वो मैंने आप लोगों को ट्रिक से करवा रखा है, अगर वो चीज आप लोगों ने क्लास नहीं देखी है तो आप उसको जाके जरूर देखना। सारा का सारा मंत्रिमंडल हम लोगों ने ट्रिक के साथ किया है, और एग्जाम में एक क्वेश्चन मंत्रिमंडल से पक्का आएगा, तो उस क्लास को भी आप लोग जरूर देखना। तो रणजीत सिंह आप लोगों के जेल मंत्री है, जो कि रानिया से एमएलए है। नेक्स्ट अगर बात करें कि हरियाणा जेल का डीजी, तो ये कौन है आप लोगों के, मोहम्मद अकील। कौन है, मोहम्मद अकील। जेल के अंदर अकीले होती है ना, कील, क्या होती है जेल के अंदर, कीले, तो अकील से रिलेट कर लेना। नेक्स्ट है कैदी वीडियो कॉल की सुविधा, यानी हरियाणा के अंदर ऐसी पहली कौन सी जेल है जहां पे कैदियों को घर वालों से वीडियो कॉल की सुविधा दी गई, तो वो है आप लोगों की भोंसी की जेल। कौन सी है, भोंसी की जेल। नेक्स्ट है पहला जेल भगवत गीता, पहली ऐसी जेल जहां पे भगवत गीता का उच्चारण किया गया, वो है आप लोगों की कैथल की जेल। कैथल को छोटी काशी बोला जाता है, तो ऐसे रिलेट कर लेना आप लोग। भिवानी को भी बोला जाता है, भिवानी को काशी बोला जाता है, कैथल को छोटी काशी बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसे रिलेट कर लेना कि भाई मतलब भगवान से ही रिलेटेड है ना छोटी काशी, तो यहाँ पे भगवत गीता पहली बार इसी जेल में गाई गई थी। देश का पहला ऐसा जेल खाना जहाँ पे होम डिलीवरी दी गई, तो वो है आपका बुढ़ैल का, जो कि कहाँ पे है, चंडीगढ़, ठीक है। यहाँ पे क्या किया गया, कैदियों से खाना बनवाया गया, उसकी फिर होम डिलीवरी की गई, ताकि मतलब उनको भी थोड़ा कामकाज पता चले, ठीक है।
उसके बाद अटल कैंटीन सेवा शुरू की गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आया भी था, तो ये आप लोगों का जीन जेल से शुरू की गई थी अटल कैंटीन सेवा योजना। नेक्स्ट है जेल रेडियो, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है कि भाई ऐसी पहली जेल जहां पे जेल रेडियो की सुविधा उपलब्ध कराई गई वो पानीपत की जेल थी, रणजीत चौटाला जी ने 16 जनवरी 2021 को, ठीक है। और ये जेल रेडियो आप लोगों के तिनका तिनका फाउंडेशन के द्वारा शुरू करवाई गई थी, जिसके वर्तमान के अध्यक्ष आप लोगों के वर्तिका नंदा। कौन है? वर्तिका नंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के सामने एफआईआर, जो हम एफआईआर दर्ज करवाते हैं, इसकी शुरुआत कब कहां से हुई थी? फरीदाबाद से, 17 अप्रैल 2016 को फरीदा, एफआईआर फरी, ऐसे ऐसे सेम स्पेलिंग है ना, तो रिलेट कर लेना। एफआईआर की फुल फॉर्म क्या है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ई चलान सेवा, यानी कि आप लोगों का डिजिटल वे में जो चलान है वो कट जाएगा अगर आप लोग स्पीड ज्यादा करेंगे, बिना हेलमेट के बाइक चलाएंगे, बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाएंगे, तो वो जो सेवा है आप लोगों की वो आपकी शुरू की थी गुड़गांव ने। किसने की थी? गुरुग्राम के अंदर। सीसीटीवी के द्वारा अगर आपसे ई चलान पूछ लिया जाए तो गुड़गांव है, बट सीसीटीवी के द्वारा चलान कट रहा है तो वो यमुनानगर है। बात आई समझ? ठीक है, ई चलान गुड़गांव और सीसीटीवी के द्वारा अगर चलान कट रहा है तो यमुनानगर। पहला साइबर पुलिस स्टेशन आप लोगों का गुड़गांव के अंदर मार्च 2018 में बना। दूसरा साइबर पुलिस स्टेशन आप लोगों का पंचकुला में बना। पहला गुड़गांव, गुड़गांव के अंदर साइबर सिटी है ना, तो गुड़गांव के अंदर ही बना होगा, और दूसरा आप लोगों का पंचकुला। पहला साइबर पुलिस स्टेशन कमिश्नरी में, अगर आपसे डायरेक्ट पूछे ना कि कहाँ पे बना, कौन से डिस्ट्रिक्ट में बना, तो गुड़गांव के अंदर, बट कमिश्नरी में पहला साइबर पुलिस स्टेशन बना तो करनाल कमिश्नरी में। ठीक है, कहाँ पे आप लोगों का? करनाल के अंदर। पुलिस जिले आप लोगों के वर्तमान में कितने हैं? तो 24 हैं। इसके अंदर आप लोगों के 22 तो डिस्ट्रिक्ट हैं यूं के यूं, और साथ में मानेसर और हासी है, दो एक्स्ट्रा। जो पुलिस जिले होते हैं इनका आप लोगों का हेड होता है एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। हासी पुलिस जिला आप लोगों का 2016 के अंदर बना था, और मानेसर पुलिस जिला आप लोगों का 2018 के अंदर बना था, ये चीजें भी ध्यान रखेंगे। हरियाणा के अंदर आप लोगों का पुलिस दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को मनाया जाता है, बट राष्ट्रीय पुलिस दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। हरियाणा पुलिस दिवस पूछ लिया जाए तो 1 नवंबर, और राष्ट्रीय पुलिस दिवस पूछ लिया जाए तो 21 अक्टूबर। महिला पुलिस दिवस पूछ लिया जाए तो 16 अगस्त। कब? 16 अगस्त। और ये आप लोगों का पहली बार 2016 में पंचकुला में ही बनाया गया था, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया अब आपके सामने, खासकर लड़कियों वाली शिफ्ट में तो पक्का ही आएगा ये, कि हरियाणा में पहला महिला पुलिस थाना कहाँ पे बनाया गया था आप लोगों का? मनसा देवी कॉम्प्लेक्स पंचकुला के अंदर 28 अगस्त 2015 को। ठीक है, अब बच्चे कहेंगे कि मैम ये तो 29 अगस्त को बनाया गया था, उस दिन तो आप लोगों का रक्षाबंधन था, है ना। पहला महिला जो पुलिस थाना है उसकी शुरुआत आप लोगों की रक्षाबंधन के दिन हुई थी, बट इस बात का ध्यान रखना कि ये आपका खोला गया था 28 अगस्त 2015 को। बट अब एक बात बताओ, आज अगर उद्घाटन है तो आज से ही तो शुरू थोड़ी नहीं हो जाएगा, कल आएंगे ना सारे ड्यूटी पे, तो ये वही वाली बात थी, खोल तो दिया था 28 अगस्त 2015 को और 29 अगस्त 2015 से इसकी शुरुआत हो गई थी, और हालांकि उस दिन क्या था आप लोगों का? रक्षाबंधन था। क्या था? रक्षाबंधन था। तो ये वाला क्वेश्चन पेपर में आया है कि पहले महिला पुलिस थाने की जो शुरुआत हुई थी उस दिन कौन सा त्योहार था? रक्षाबंधन। गुलाबी थाने की शुरुआत अगर पूछ ली जाए तो 18 अगस्त 2019 को, ये गुलाबी थाने। गुलाबी थानों में क्या होता है, जैसे लड़कियों का फेवरेट कलर होता है ना पिंक, तो ऐसे ही थानों का भी पिंक कलर बना दिया, वहां पे लड़कियां ही होंगी, कॉन्स्टेबल एसआई जो भी होंगी लड़कियां ही होंगी। ठीक है, वो गुलाबी थाना लड़कियों की, मतलब वहां पे शिकायतें सुनी जाएंगी, जो महिलाएं हैं जो किसी मतलब किसी भी तरीके से अगर सफर कर रही हैं तो वो उन थानों में जाके अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा सकती हैं, क्योंकि पहले क्या होता था जो पुलिस स्टेशन होते थे वहां पे जेंट्स होते थे तो महिलाएं खुल के अपनी प्रॉब्लम उनको बता नहीं पाती थी, तो इस वजह से क्या शुरुआत किया, गुलाबी थानों की शुरुआत की गई कि भाई गुलाबी थाना दी जाए तो वहां पे महिला बेझिझक अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकती हैं। 2020 तक अगर आप लोगों के गुलाबी थाने पूछे जाएं कितने हैं तो वो है आप लोगों के 34। सबसे ज्यादा महिला पुलिस थाने आप लोगों के हरियाणा के अंदर ही हैं। महिला पुलिस थानों में त्यौहार कौन सा मनाया जाता है? रक्षाबंधन। महिला पुलिस स्वयं सेवक पहल करनाल और महेंद्रगढ़ में, ये इम्पोर्टेंट है। महिला पुलिस स्वयं सेवक पहल कहां से शुरू की गई? करनाल और महेंद्रगढ़ से। ऑपरेशन दुर्गा, मोस्ट इम्पोर्टेंट
ऑपरेशन दुर्गा क्यों शुरू किया गया भाई आप लोगों का, छेड़छाड़ रोकने और मनचलों को पकड़ने के लिए 2017 में, ठीक है। और ये है ना आप लोगों का यूपी के अंदर एंटी रोमियो है, उसकी तर्ज पे ऑपरेशन दुर्गा शुरू किया था हरियाणा ने। उसके बाद तो फिर दुर्गा शक्ति की पोस्ट भी निकलने लगी आप लोगों की। दुर्गा शक्ति बल है जो आप लोगों का, वो अपराधों को रोकने के लिए, महिलाओं के साथ जो अपराध हुए हैं उनको रोकने के लिए। और दुर्गा शक्ति ऐप भी आप लोगों की 2017 में बनाई गई, और 2019 के अंदर आप लोगों का आईटी का उत्कृष्टता का अवार्ड भी दुर्गा शक्ति ऐप को ही मिला, ठीक है, 2019 के अंदर। तो ये याद रखना, 2017 में ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत हुई थी, और दुर्गा शक्ति बल भी 2017 में, ऐप भी 2017 में, और 2019 में आईटी उत्कृष्टता अवार्ड भी दुर्गा शक्ति ऐप को मिला। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है 2016-17 में प्रशिक्षण देने वाले सर्वश्रेष्ठ अवार्ड। 2016-17 में सबसे बेस्ट ट्रेनिंग कराने का अवार्ड किसको मिला पूरे देश का? मधुबन को। किसको मिला? मधुबन को। ऑपरेशन मुस्कान मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आया भी था, ये पुलिस के द्वारा ही शुरू किया गया था ऑपरेशन मुस्कान। और किसके लिए? गुमशुदा बच्चों को ढूंढने के लिए, बच्चे गुम हो जाते हैं उनको ढूंढने के लिए ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत की गई। देश का बेस्ट पुलिस स्टेशन 2020 का चुना गया था तरावड़ी करनाल को। अब ये वाला इम्पोर्टेंट है, पुलिस के ऐसे दो कर्मचारी हैं जिनको पद्मश्री मिल चुका है, एक तो है आपका विजेंदर सिंह जिसको 2010 में मिला, एक है ममता सोदा जिसको 2014 में मिला। ये आप लोगों के कैथल से पर्वतारोही है ममता सोदा। नेक्स्ट है अपराधी में भय हेतु दिवस मनाया जाता है पुलिस उपस्थिति दिवस। कौन सा दिवस? पुलिस उपस्थिति दिवस, की लोगों में भय बना रहे, अपराधियों में भय बना रहे कि भाई पुलिस नाम की भी कोई चीज है, तो पुलिस उपस्थिति दिवस मनाया जाता है अपराधियों में भय को कम करने हेतु, भय बढ़ाने हेतु, है ना, भी अपराधी डरे पुलिस से। नेक्स्ट है हरियाणा पुलिस डार्क, यानी कि ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर आप लोगों का कहाँ पे है? पंचकुला के अंदर है, इस चीज को याद रखेंगे। न्याय वितरण प्रणाली पारदर्शी बनाने हेतु आप लोगों का एक सिस्टम शुरू किया गया था जिसका नाम रखा था इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल सिस्टम, ठीक है। ये है न्याय वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने हेतु, मतलब किसी भी तरह का आप लोगों का कोई भी भेदभाव न हो। नेक्स्ट है आप लोगों के सामने वाहन चोरी रोकथाम हेतु एक ऐप बनाया गया था जिसका नाम था मैच एंड कैच ऐप। क्या? मैच एंड कैच ऐप। ये आप लोगों का है वाहन की जो चोरी होती है, साधन वगैरह चोरी हो जाते हैं, तो उसकी रोकथाम के लिए ऐप बनाया गया था मैच एंड कैच। नेक्स्ट है हरियाणा पुलिस मित्र कक्ष की शुरुआत, मोस्ट इम्पोर्टेंट, 1 नवंबर 2017 को हरियाणा पुलिस मित्र कक्ष की शुरुआत हुई थी। नशा तस्करी रोकने हेतु पुलिस द्वारा जारी टोल फ्री नंबर, नशे को रोकने के लिए पुलिस ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया जो कि है 1800-180-1314। नेक्स्ट है शिकायत का स्टेटस पीड़ित को घर बैठे पता चल जाए उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया जिसका नाम है फाइल ट्रैकिंग सिस्टम, जिसके अंदर क्या है आप लोगों का शिकायत का स्टेटस, पीड़ित जो भी इंसान पीड़ित हुआ है उसको अपना स्टेटस कि भाई मैंने पुलिस में एफआईआर रिकॉर्ड करवाई थी, पुलिस कहां तक पहुंची, कितना काम किया, तो वो उसको घर बैठे पता चल जाएगा किसके जरिए, फाइल ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए कि उसकी फाइल कहां तक पहुंच चुकी है, क्या क्या एक्शन लिया जा चुका है उसके ऊपर। नेक्स्ट है संगठित अपराध से निपटने के लिए पुलिस द्वारा तैयार मसौदा है, ये हर को का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में आया भी था। संगठित अपराध से निपटने के लिए पुलिस ने एक मसौदा तैयार किया जिसका नाम रखा हर को का। क्या? हर को का। दुर्गा शक्ति व महिला हेल्पलाइन नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट 1091 है आप लोगों का, और डायल 112 आप लोगों का 2021 में आ गया जो कि हर चीज के लिए है। इसका हेडक्वार्टर है आप लोगों का पंचकुला के अंदर, इसको याद रखेंगे, दुर्गा शक्ति और महिला हेल्पलाइन नंबर। नेक्स्ट है हरियाणा में 23वां यातायात पुलिस स्टेशन आप लोगों का हांसी बनाया गया। 23वां यातायात पुलिस स्टेशन हांसी, पहला बाल मित्र पुलिस थाना आप लोगों का पलवल के अंदर। बाल पल ऐसे रिलेट कर लेना। हरियाणा में एनएसजी का जो हेडक्वार्टर है वो आप लोगों का है मानेसर के अंदर, इसकी शुरुआत हुई थी आप लोगों की 1984 में, और एनएसजी की फुल फॉर्म ये आप लोग बताएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हरियाणा पहला पुलिस प्रमुख यानी कि पहला आईजीपी किसको बनाया गया था? भुवन सिंह रोसा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भुवन सिंह रोसा को बनाया गया था जो कि 1 नवंबर 1966 से 68 तक आप लोगों के आईजीपी रहे थे। हरियाणा का पहला पुलिस प्रमुख था। सेकंड बनाया गया है जेसी बछेर को। किसको? जेसी बछेर। पहला भुवन सिंह रोसा और सेकंड जेसी बछेर। ये आईजीपी की बात कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद पहला डीजीपी, फिर आईजीपी को चेंज करके क्या लेके आए? डीजीपी लेके आए, मतलब कि पुलिस महानिदेशक।
तो ये आप लोगों का है एमएस भटनागर, 1982 से 85 के अंदर पहला जो पुलिस महानिदेशक बना आप लोगों का वो थे आप लोगों के एमएस भटनागर। लंबे टाइम तक डीजीपी रहने वाले कौन थे, रणजीत दलाल थे। कौन थे? रणजीत जलाल। अभी अपने क्या है, दलाल नहीं, मतलब रणजीत नाम से अपने कौन है, जेल मंत्री, ये भी याद रखेंगे। वर्तमान में डीजीपी कौन है, शत्रुजीत कपूर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आएगा कि वर्तमान में डीजीपी कौन है हमारे, शत्रुजीत कपूर। कौन है? शत्रुजीत कपूर, ठीक है। मतलब जो भी अपराधी है उन सभी के शत्रु कौन है, शत्रुजीत कपूर हमारे डीजीपी। अब ये आप लोगों की रैंक है भाई, क्या पता एग्जाम के अंदर, मेरे हिसाब से तो ये सभी बच्चों को पता है जो भी पुलिस में जाना चाहते हैं, जिनका सपना है तो उसको रैंक के बारे में तो पता ही है। बट फिर भी मैं बता देती हूँ, सबसे बड़ी रैंक होती है पुलिस के अंदर आप लोगों की डीजीपी की, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है, ये एक ही होता है। सेकेंड नंबर पे आता है एडीजीपी, यानी कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ओके। ये पुलिस रेंज का प्रमुख होता है, आईजीपी भी होता है और एडीजीपी भी होता है, ये दोनों के दोनों पुलिस रेंज के प्रमुख होते हैं। उसके बाद डीआईजीपी, मतलब डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है। आईजीपी की फुल फॉर्म रिलेट अच्छे से याद कर लेना, पेपर में पूछी जाएगी। एसएसपी, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसके बाद उससे छोटा होता है फिर एसपी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, उससे छोटा होता है एएसपी, एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनसे छोटा होता है असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और डीएसपी आप लोगों का। नेक्स्ट है फिर उससे छोटा इंस्पेक्टर, जिसके ऊपर 3 स्टार होते हैं, फिर एसआई, सब इंस्पेक्टर 2 स्टार, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है आप लोगों का, ये हो जाएगा एएसआई, ठीक है। उसके बाद है हेड कांस्टेबल और उसके बाद है कांस्टेबल। तो आप यहां पे है और आप लोगों को यहां पे पहुंचना है, ठीक है। कांस्टेबल पे हैं और डीजीपी तक जाना है, तो अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। और ये आप लोगों का सारा डाटा था जो कि पुलिस से रिलेटेड था, और इससे बाहर आप लोगों का पुलिस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। जो भी पूछा जाएगा यहीं से पूछा जाएगा, क्योंकि हमने सारा ही तो कवर कर लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। एग्जामिनर कहाँ से ढूंढेगा, नहीं ढूंढ पाएगा। क्लास कैसी लगी ये सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और अपने फ्रेंड्स के पास, जो भी आपके मित्र हैं जिसने भी हरियाणा पुलिस का फॉर्म अप्लाई मतलब जिसका भी हरियाणा पुलिस का एग्जाम है, तो वो सारे बच्चों के पास शेयर कर देना क्लास को। और ज्यादा से ज्यादा मतलब कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप लोगों को ये डाटा कैसा लगा, क्लास कैसी लगी। तो ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बता देना, आप लोग किस टॉपिक पे क्लास चाहते हैं वो भी हम लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ऑल द बेस्ट सभी को, टेक केयर, बाय।